नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज। इसे बिहार में ज्यादातर जगह पर डालना बोला जाता है, तो देखते हैं हमें और किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। सीताफल ले ले 100 ग्राम, घिया यानी लौकी 100 ग्राम, टमाटर एक, फूल गोभी 100 ग्राम और बैंगन भी 100 ग्राम। सब्जी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पसंद हो आप मिक्स वेज में डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमने इसमें एक छोटा सा आलू डाल दिया है। आलू आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए। और मसालों में हमने लिया है हींग, एक तेज पत्ता, पंचफोरन, गरम मसाला, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, एक चौथाई चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा हम गरम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार डाल लें। मैंने सरसों तेल गरम होने के लिए पहले ही डाल दिया था। सबसे पहले हम इसमें पंचफोरन डालेंगे और मेथी का कलर चेंज होने पर हींग डाल देंगे। साथ में ही हम तेज पत्ता डाल देंगे। मेथी का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें हींग डाल देंगे। अब हम इसमें सबसे पहले सीताफल और आलू को फ्राई करेंगे। दोस्तों आप चाहे तो सारी सब्जी को एक साथ डाल के भी फ्राई कर सकते हैं। सीताफल और आलू डालने से सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। इसे ही पहले फ्राई करके एक बार ये वाला भी फ्राई करें। थोड़ी सी आलू और सीताफल को फ्राई करने के बाद हम और बाकी सब्जी सारी डाल के थोड़ा सा उनको भी फ्राई कर लेंगे। इन सबको अब हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी फ्राई होने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, उसके बाद मसाले। एक मिनट तक फ्राई होने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। हम इसे भी एक से दो बार चला लेंगे। सब्जियों को ध्यान रखें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करें। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर। 2 मिनट तक मैंने सब्जियों को फ्राई कर लिया था, उसके बाद हल्दी डाल के इसे मिला ले एक बार। अब इसमें हम लाल मिर्च भी डाल देंगे। सारे मसाले डाल के फिर हम इसे 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इस सब्जी को कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कढ़ाई में सब्जी पकने में थोड़ा टाइम लगता है और उसे बीच बीच में आपको चलाते रहना पड़ेगा। अब ये सब्जी ने कुकर छोड़ दिया है, मसाले सारे भून चुके हैं, तो इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग, अगर राइस में खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा डाल लें, अगर रोटी में खाना चाहते हैं चपाती नान वगैरह में तो थोड़ा कम डालें। अभी मैंने इस कप से 1 कप डाला है। हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। और 3 से 4 सीटी आने तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। इसमें 4 सीटी लग चुकी है और कुकर का गैस खत्म होने के बाद हम इसे खोल के एक बार चेक कर लेंगे कि सब्जी पकी है कि नहीं। कई लोग बहुत ज्यादा घुली हुई सब्जी खाना पसंद करते हैं, तो वो सब्जी चेक कर ले, अगर लगे कि कम पकी है तो एक और सीटी लगा ले। ये सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा गैस पे रख के इसको एक बार गरम मसाला डाल के इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। गरम मसाला डाल दिया था, अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल के इसमें अच्छे से हम इसे एक बार
मिला देंगे। दोस्तों ये गर्मा गर्म सब्जी हमारी मिक्स वेज की बनके तैयार है। तो दोस्तों हमारा गर्मा गर्म बिहार का डालना वाली सब्जी बनके तैयार है, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें और हाँ मुझे जरूर लिखें कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और हाँ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।